और इस बीच खबर है कि हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 13,322 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 145 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आज से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, क्या उसको एक्सटेंड करने की या फर्स्ट हम एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है कि बहुमत मिलने के बाद डीएमके नेता एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को 234 में से 157 सीटों पर जीत मिली है, यानी बहुमत का आंकड़ा। और इस सबके बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि करुणानिधि के बेटे और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, 234 में से 157 सीटों पर जीत मिली है। और इस सबके बीच जो जानकारी मिल रही है 7 मई को एमके स्टालिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, 7 मई को तय हो गया है कि एमके स्टालिन अपने शपथ ग्रहण समारोह करेंगे नई सरकार का। और सबसे खास बात यह है कि बहुत तामझाम नहीं होगा इस शपथ ग्रहण समारोह में। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से नई सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह का कोई कार्यक्रम हो जिससे संक्रमण बढ़े कोरोना का। और दूसरी अहम बात है कि 10 साल बाद डीएमके जो है तमिलनाडु की सत्ता में आई है और इतने काफी संघर्ष के बाद एमके स्टालिन जो कि, क्योंकि आपको याद होगा गायत्री कि इस बार का चुनाव अपने आप में अहम था तमिलनाडु की सियासत के लिए, क्योंकि ना तो जयललिता का चेहरा था ना करुणानिधि का चेहरा था, और इन दोनों की उपस्थिति में एमके स्टालिन ने अपने को राज्य के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे रखा और चुनाव जीता। और ऐसे में 7 मई को जब शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के तौर पे लेंगे तो बिल्कुल एक नई उम्मीदों वाला होगा। और सबसे बड़ी चुनौती हर राज्य की तरह उनकी भी यही होगी कि कोरोना संक्रमण की दर को रोका जाए। नीरज, इसीलिए मेरा अगला सवाल ये कि कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं? क्रेडिट तो एमके स्टालिन, बहुत मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा क्या एआईएडीएमके में जो बिखराव देखने को मिला उसको लेकर भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखा? देखिए, तमिलनाडु की सत्ता में भी पहली बार पिछले चुनाव में हुआ था 3 दशक में कि दूसरी बार एआईएडीएमके जयललिता के नेतृत्व में सत्ता में वापसी की थी। इस बार का चुनाव इस मायने में खास है कि देखिए डीएमके की जीत को आप स्वीप नहीं कह सकते। डीएमके ने बहुमत हासिल किया है, डीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन एआईएडीएमके के गठबंधन को भी अच्छी खासी सीटें आई हैं। डीएमके की जीत के पीछे एमके स्टालिन का खुद को अपने आप में एक मजबूत नेता के तौर पर पेश करना, उनका जो अनुभव और संघर्ष रहा है तमिलनाडु की सियासत में, और तीसरी अहम बात की तीसरी बार एआईएडीएमके को सत्ता देने को तमिलनाडु की जनता तैयार नहीं थी, इसीलिए डीएमके को मौका दिया गया है 5 साल के लिए कि एमके स्टालिन के नेतृत्व में करुणानिधि की विरासत को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि इस बार का चुनाव जयललिता और करुणानिधि की अनुपस्थिति में पहली बार हुआ है तो एमके स्टालिन को एक चांस जनता देना चाहती थी। यानी तीन बड़े कारण इस जीत के पीछे, एमके स्टालिन अपना चेहरा रखकर ये पूरा इलेक्शन लड़ा गया था जिसमें उनकी मेहनत थी, एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल बाद AIADMK को दोबारा मौका वहां की जनता नहीं देना चाहती थी, AIADMK के साथ बीजेपी का गठबंधन, उनको दोबारा मौका नहीं मिलना था। और ऐसे में जो बिखराव AIADMK में देखने को मिला वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण, क्योंकि जयललिता की गैर मौजूदगी में AIADMK की तरफ से यह चुनाव लड़ा गया। शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 7 मई को एमके स्टालिन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे एमके स्टालिन।